ओम शांति। आज 12 फरवरी 2023 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव। पहले तो बने सच्चे स्नेही, फिर करो सारे संबंधों का साकार में अनुभव। यह है आज की मुरली का निचोड़ सार। ये मुरली बाबा ने सुनाई थी 16 दिसंबर 1993 को। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं, स्नेही अवश्य हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है, स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही तीन प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमें स्नेह है तभी तो हम घर छोड़ करके मुरली सुनने आते हैं, नहीं क्या जरूरत थी हमें मुरली सुनने आने की। अच्छा, ये भी है कि प्यार है, स्नेह माना प्यार, तभी तो कोई आता है। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात बाप समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है, कभी टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाप के साथ और कहां भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से चाहे प्रकृति के साधनों से, कहां भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है। तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। कि लिस्ट में तो आ जाते हैं ना, लिस्ट उस लिस्ट में तो नाम आ गया ना भी। आप बच्चे से भी प्यार करते हो, परिवार के दूसरे मेंबर से भी, पड़ोसियों से भी, साधनों से भी, जो कलीग हैं उनसे भी, अलग अलग सबसे प्यार करते हैं, तो उसमें शिव बाबा को भी प्यार करते हैं, उनको भी प्यार करते हैं। वो टूट जाए पर तो स्नेह तो करते हैं ना भाई। मुरली सुनने आते हैं तो हमें बाबा से प्यार है, हम एक घंटा मुरली सुनने के लिए आ गए, बाकी हमने अपने दोस्तों को, परिवार को, परिवार के रिश्तेदारों को, उनके साथ भी प्यार किया, तो सबसे प्यार करते हैं, उसमें एक ये भी है। तो ये है प्यार करने वालों की लिस्ट में हमारा नाम आ गया। स्नेह की निशानी है बिना मेहनत कोई के स्नेह के तरफ स्नेह स्वतः हो जाता, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह की निशानी यही है कि उसके लिए कोई भी काम करने के लिए मेहनत नहीं लगती,
बच्चे से प्यार होता है उसके लिए हम सारे काम फटाफट दौड़ दौड़ के करते हैं, बाबा से प्यार है इसलिए बाबा का भी दौड़ दौड़ के काम कर देते हैं, काम तो करते हैं ना, स्नेह तो है, बाबा से भी स्नेह है, बाकियों से भी स्नेह है, स्नेह है तो यहाँ आए बैठे हैं। हाँ, बाबा के प्यार में ये स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही हो जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर संकल्प, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है, तो बिना आधार के तो कुछ नहीं होगा ना। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में, अपनी स्थिति भी, परिस्थिति भी, आधार अनुभव होता है। मतलब कोई ना कोई आधार से तो प्यार करता है ना। बाबा से प्यार क्यों किया, मां से प्यार क्यों किया, बाप से प्यार क्यों किया, पति से प्यार क्यों किया, पड़ोसियों से प्यार क्यों किया, उसके पीछे कोई ना कोई तो आधार होता है ना, तब वो उनसे प्यार करते हैं। अगर साधनों से स्नेह है तो वे उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार मानते हैं ना, तभी बाप का प्यार छोड़ेंगे। यदि उसका काम मां से हो जाए तो पति के पास क्यों जाए, यानी आधार है ना कि पति ज्यादा जरूरी है, मां से तो काम हो गया, उसने बड़ा कर दिया हमें, मतलब कोई आधार ही नहीं रहा, जरूरत ही नहीं रही। बच्चा जब तक कमाने नहीं लगा तब तक माँ बाप के पीछे सारा कहना मानेगा, जब कमाने लग गया फिर नहीं पूछता माँ बाप, फिर उसे क्या खरीदना है, क्या लेना है, क्या करना है, जाके ले ले, नो नीड टू आस्क। तो आधार कोई ना कोई ज्यादा बनता है, तभी एक को छोड़ते हैं दूसरे को अपने जीवन में लाते हैं। तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन ये साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इस व्यक्ति ने भी हमारी बहुत हेल्प की है कभी मुसीबत के दिनों में, अब मुझे इसके काम आना चाहिए। अब बाबा तो कहता रहेगा कोई बात नहीं, मेरा इसके प्रति भी फर्ज बनता है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, इसके खातिर तो झूठ भी बोलना जरूरी है, इसके लिए ये काम करना भी जरूरी है, सामाजिक नियम है। कोई भी परिवार का, बिरादरी का कोई ना कोई ऐसा आधार खड़ा करके बाबा को छोड़ करके, बाबा की श्रीमत से भी अलग हो करके इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है। बाबा से भी प्यार अधूरा और उससे भी प्यार अधूरा। इस काम के लिए तो मैं तेरी हेल्प कर सकता, तेरा साथी बन जाता, बाकी सारा टाइम थो ना, बाकी टाइम मैं बाबा को भी करूंगा, बाबा की भी सेवा करूंगा, तो उधर भी अधूरा, उधर भी अधूरा, और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल एक भरोसे की बजाय दूसरा भी भरोसा, बाबा का भरोसा छोड़ के उसका भरोसा ले लिया, वो भी काम आएगा कभी। हाँ। मुसीबत में वो काम आएगा, बाबा तो कहेगा मेरा कोई काम नहीं है। हाँ। मेरा काम मतलब ही नहीं है, हाथ हाथ हटा के खड़ा हो जाता है। अब उस टाइम जब कोई मुसीबत आएगी तो ये बचा लेगा ना मेरे, ऐसे बड़े अफसरों से, बड़े पदाधिकारियों से बना के रखनी चाहिए। एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है, इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो
उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, आकर्षित कर लेती है, इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं है, लगाव नहीं है, समझते लगाव नहीं समझते, लगाव नहीं है समझते, लेकिन सहारा समझते। मेरे को पापा से लगाव नहीं है, परंतु आखिर इस दुनिया में सहारा तो वही है ना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संबंध, आखिर मरने के बाद वही तो लकड़ी लगाएगा सारे। नहीं, मैंने क्या क्या लेना भाई, या तो मतलब नष्टो मोहा बने, मतलब यदि हमें थोड़ा सा भी मोह है तो कोई तो कारण आधार है ना, सारे आधार हैं जी, ये नहीं है। चलो मतलब कोई भी आधार तो देखो मतलब होगा जो उधर बुद्धि जाती है, ठीक है, आधार तो कोई ना कोई है। हाँ, लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेही, स्नेह करने वाले। अच्छा, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पांस देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समीप हैं लेकिन समान नहीं है। निभाने वाले को निभाने के रिटर्न में पदम गुणा हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो उसी हिसाब से उमंग उत्साह खुशी मिलती रहती है। तीसरे, जो स्नेह में समाये हुए हैं उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, संकल्प में और हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। संपन्न भी रहते हैं और संतुष्ट भी रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, किसी और को सहारा बनाती है, अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता। तो कोई चीज प्राप्त करनी है तो किसी और को सहारा बनाती है। मेरे को इससे ये फायदा, हाँ, तो उसको सारा बना लिया।
अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डाल देती है। फिर संपूर्ण स्नेह नहीं है बाबा से, अंतर तो आएगा ही आएगा। स्नेह में समाई हुई आत्मा सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना। किसी और को सहारा बनाया जाए जिससे प्राप्ति की जाए, नहीं, एक बाप दूसरा ना। इस अनुभूति में रहती हैं तो स्नेही सभी हैं, लेकिन तीन प्रकार के। अब अपने आप से पूछो, मैं कौन, मैं कौन? एक है स्नेही, स्नेह करने वाला, समाये हुए, तीन प्रकार। अब अपने से पूछो मैं कौन। अपने को तो जान सकते हैं, अपने को तो जान सकते हैं ना। स्नेही है तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, चल रहे हो, लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार बन जाते, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, स्नेह का भी और शक्ति का, दोनों का बैलेंस है। वही बाप समान बनता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा, बाप के स्नेह से दूर होना ये मुश्किल है। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है, एक बाप ही संसार है। संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध, दूसरा भिन्न भिन्न वैभव व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है, वैभव व साधन क्या है, रचना है, और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है, उसकी रचना द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्यों? क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते उसको, बच्चे ऐसा क्यों कह रहे हैं, फुल स्टॉप है।
चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। किसको छोड़ देते हैं? बीज को छोड़ देते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता। टाल टालियों का रंग बड़ा शोभनिक होता है, सुंदर होता है। देहधारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता, तो देह भान आएगा ना, देह भान में सहज अनुभव होता है। और बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। जब तक देह भान से परे नहीं होंगे तब तक परम आत्मा के आने का निश्चित नहीं कर सकते। बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। देह भान में आने की आदत तो है ही, ना चाहते भी हो सकते हैं, इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते, फिर भी सहारा बना लेते। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं, उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो, उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था मिठू तोता नलके पर नहीं। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते हैं, एक बाप दूसरा ना याद दूसरों कर रहे हैं, पर तो उस समय भी उनके संकल्प चल रहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना। बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ फिर ये भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए, बाबा के सिवाय तो और कोई नहीं है, तो इस संसार में रहना है तो कोई सहारा तो चाहिए। तो उस समय हंसी आएगी ना, बाबा को हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती है, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठ का सारा ही सच्चा सारा लगेगा। चांस लेती है, अच्छा परिवर्तन के जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा
सच्चे से भी अच्छा लगता है। नकली गहने असली गहनों से भी सुंदर लगते हैं। ऐसे उस समय रॉन्ग राइट का अनुभव होता है और वो रॉन्ग बात झूठा सहारा उसको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं। तो माया भी कमजोर संकल्पों को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। कौन लगाती है? माया। क्या पिलर लगाती है? माया। क्या पिलर लगाती है? माया। यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है। माया कहती है ऐसा तो कई बड़े बड़ों में भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही चलते हैं या कहते अभी तो पुरुषार्थी ही हैं, अभी तो पुरुषार्थी ही हैं, संपूर्ण तो हुए नहीं है, संपूर्ण तो हुए नहीं है, तो जरूर अभी कलयुग अभी कोई ना कोई कमी रहेगी। अभी संपूर्ण तो बने नहीं, अभी तो कोई ना कोई कमी रहेगी, पुरुषार्थी है, निकल जाएगी कमी, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसी ऐसी व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स, ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना है, आधार नहीं लेना। समय आने पर यह आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा साथ रहे यह अनुभव कम कर। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं न कहीं अल्पकाल का संबंध जुटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाली सहारा बाप है। ये अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म, मैं सहयोग देने वाला निराकार है आकार, निराकार है आकार है, परंतु साकार तो नहीं कहेंगे। साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हैं। हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हैं, साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते। इस अनुभूति को, इस अनुभूति को गहराई से समझो। पहले तो समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो।
कैसे देखेंगे साकार में कि मैं आत्मा हूं, यही देखना है ना साकार। तो हाँ जी, ये तो 1993 की मुरली है। हमने बाबा को जो है ना, क्या कहते हैं, किस प्रकार से, किस आधार से जो है साकार को अपना समझे, देखो कैसे था, पीछे चलता हूं। साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो, इस अनुभूति को गहराई से समझो। मतलब परमात्मा निराकार, परंतु आपने साकार रूप में उसके साथ का अनुभव करना है, कर सकते हो, तो उसके लिए क्या करना, थक गए हो ठीक है, तो आप बेशक उनको कैसे भी साथी बनाएं, परंतु बाबा की श्री मत ही साथी। साकार में बाबा को श्री मत लेंगे तो बाबा की श्री मत आपको हर जगह क्या करना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, सारा साथ अनुभव होगा। बाबा साक्षात्कार कराएगा ना, फिर आपको बाबा की युक्तियां समझ में आएंगी, फिर आपके जीवन में परिवर्तन। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति वैभव व साधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं। कोई भी व्यक्ति वस्तु साधन आपको क्या नहीं करेगा, आकर्षित नहीं करेगा। एक बार में एक भरोसा हो जाएगा ना, बाबा का बदला में मिलेगा, भरोसा होगा। बस समय बाबा की श्रीमत पर चलना है, उसके हम अनुभवी बनते जाएंगे कि मैंने बाबा का कहना माना और मेरे को सफलता मिली। और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति वैभव व साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ, सहारा नहीं बनाओ, अनुभूति को बढ़ाओ, सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। उस वस्तु को यूज करो बाबा की श्रीमत पर, परंतु उसे अपना सहारा। अच्छा, सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से मुलाकात है,
सदा समाये हुए हैं या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है? याद करने की मेहनत करनी पड़ती है, सिवाय एक बात के और कोई दिखाई नहीं देता, सिवाय एक बात के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियां सुनते हो तो हंसी आती है ना, कहानी जब तक चलती है, कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती, तब तक समझ में नहीं आती, और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं ये क्या हुआ। मैं थी या और कोई था, ऐसे भी सोचते हैं क्योंकि उस समय परवश होते तो परवश को अपना होश नहीं होता। जो परवश होता है, पराधीन होता है, उसे अपना होश नहीं होता। जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है। अच्छा, संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा, और आप निमित्त आत्माएं यह सब खेल देख हर्षित होते रहते हो। सभी चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, उड़ती कला उड़ रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो, उड़ते उड़ते साथ में औरों का भी, औरों को भी उड़ा देते हैं। खुद भी उड़ते हो तो औरों को भी उड़ा देते। क्योंकि रहम दिल बाप के रहम दिल आत्माएं बन गए। हमारा बाप रहम दिल, हम आत्माएं भी रहम। तो रहम आता है ना, थोड़ा थोड़ा रहम आता है ना। रहम दिल बनना माना अपने ऊपर पहले रहम करो, बाबा की श्रीमत पर चलो, फिर औरों पर रहम करना, उन्हें मार्ग दिखाना, जिस मार्ग पर चलकर वो अपने आप को पावन बनाते। तो रहम आता है ना, घृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है, और ये रहम ही दिल के प्यार का काम है। रहम दिल ही के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहे हैं, अच्छे से अच्छा चल रहा है ना, अथक बन सेवा कर रहे हैं ना, निमित्त अर्थात अथकपन, निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग उत्साह आता है। अथकपन को देख सब में क्या आता है, उमंग आता है ना, निमित्त आत्माएं कभी थकते नहीं। हाँ, उनके उनको देखकर उमंग उत्साह बढ़ जाता है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात नंबर एक है, साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ, नेचुरल भी और नेचर भी बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मोजों में रहने वाली अनुभव करते हो, मोजों में रहते हो, वह कभी मौज में कभी मूंज भी जाती है।
मौज में होना मतलब खुशियों के झूले में झूलते रहना, मौजो माता झूले झूल, मौजो में रहेंगे तो कभी भूल जाएंगे। हाँ, कभी मौजों में कभी मूंझते भी हो या सदा मौज में रहते हो, क्या हाल चाल है? बाबा पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है, कोई और पूछे तो बता दे, बाबा को क्या बताए, ये बताने की जरूरत है ना, क्या हाल चाल है? ऐसे बता दो ना, खुश हो जाए बाबा। बाबा पूछ रहा है हा क्या हाल चाल है, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो, चाहे थोड़े टाइम के लिए? उस थोड़े टाइम में अगर आपका काल आ गया, ऐसा काल आ जाए तो फिर क्या होगा? अलर्ट कर रहे, अकाले मृत्यु का तो समय है ना, तो थोड़ा समय भी अगर मौज की बजाय मूंझते हैं और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंत मति सो गति क्या होगी? पिछला वाला बेकार गया, अंत मति तो आपका रिजल्ट है ना, लास्ट सेकंड में तो आपका जो याद आएगा वही अब कहते नहीं, अंत में जो स्त्री सिमरे, स्त्री का भया सोए, जो नारायण को सिमरे, वन वन नारायण ज्योति में उनकी प्रवेशता होती है। इसलिए सुनते रहते हो ना, सदा एवर रेडी, कभी भी घर जाना हो। एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? कोई भी समस्या संपूर्ण नहीं बनने देगी, विघ्न डाल देगी। संपूर्ण बनने में विघ्न रूप ना बने, ये अटेंशन देना है। अंत अच्छी तो भविष्य भी, यदि भविष्य आदि भी क्या हो जाएगा, अच्छा होता जाए। तो एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी, एक सेकंड भी धोखा दे सकता है। धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसे दो चार मिनट चलता है, लेकिन एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है ना। पूरा पूरा का पूरा खेल देख लो, तो मिनट की तो बात ही नहीं, एक सेकंड का भी धोखा तो है ना। सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल आत्माएं हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आत्माएं हो, अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं करा सकते।
दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्माओं का अर्थ ही है जो भी कर्म करें, जो भी संकल्प करें, जो भी बोल बोले, वो हर बोल और हर संकल्प, हर बोल व हर संकल्प विशेष। साधारण नहीं हो, समय भी साधारण रीति से नहीं जाए। हर सेकेंड और हर संकल्प विशेष हो, इसको कहा जाता है आत्मा। इसको कहा जाता है आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया, ये पूछ रहे बनाया। फायदा क्या हुआ? वेस्ट गया ना, फायदा बताओ, श्रेष्ठ कितना किया? क्योंकि जो हम योग लगाते रहे थे उसमें हमने कभी सोचा ही नहीं था वे इतनी देर, आधा घंटा हम अलग अलग गाने सुनकर आ गए, जीवन में आदत में कोई परिवर्तन किया, थोड़ा सा भी सुधार आ गया तो भी काफी है। तो आए, मतलब मेरे अंदर रोजाना कोई ना कोई सुधार आए, हर सेकंड अगले सेकंड मेरे में सुधार आए, ये अटेंशन बाबा खिंचवा। आप गीत सुनो, दस सुनो, कोई बात नहीं, तो कुछ सुधार तो आया आपके जीवन में। कमेंट्रिया कितनी भी सुनो, सुधार तो आए। श्रेष्ठ बनाया, बुरा नहीं किया, लेकिन अच्छा कितना किया? सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन उस बुरे की जगह पर अच्छे तो अच्छे ते अच्छा किया या साधारण हो गया, या साधारण हो गया। तो ऐसे साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है, जमा का समय तो अभी है ना। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे, तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, बाकी पानी पी के गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। अर्थात प्रलब्ध काम मिलेगी, क्योंकि त्राजू बाबा हमेशा अपने साथ रखता है, त्राजू नहीं हट छोड़ता जरा। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रलब्ध पाने का या साधारण भी चलेगा, कोई अर्जा नहीं। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं।
साधारण भी बने तो क्या हर्जा है? हर्जा है या चलेगा, पूछ रहे हैं बाबा, हर्जा है या चलेगा? तो चेक करो कि हर सेकेंड हर संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली ना चाहते हुए भी चलता रहता है, चलता रहता है ना, तो देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है ना। ऐसी ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए। तो जो नेचर होती है वे स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना नहीं पड़ता है, करना बनना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता, क्योंकि जो आदत बन गई वो तो अपने आप होगा ना, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, बनना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही हो जाता है। तो ऐसी विशेषता के संस्कार नेचर बन जाए। हमें जो करना है काम वो यही है, मतलब एक एक आदत हमने वैसी बना देनी है जैसे बाबा की श्रीमत है। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से निकले, ऐसे नहीं कि मेरी नेचर यह है, मेरी नेचर यह है, नहीं, हर एक के मुख से मन से यही निकले कि मेरी नेचर है ये विशेष आत्मा के विशेषता। तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती है? जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है, चलती रहती है ना। उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है, मेरी आदत है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए, जो आपकी विशेषता आपने पहचानी है वो भी नेचर हो जाए। कोई पूछे आपकी नेचर क्या है तो सबके दिल से निकले कि हमारी नेचर है ही विशेषता। साधारण कर्म की समाप्त हो गई क्योंकि मर जीवा हो गए, जीते जी मर गए। मर्जीवा हो गए ना, तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, पिछले जन्म की आदत, अब की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए संस्कार, तो नए जन्म की नेचर विशेषता है। ऐसे अनुभव हो
तो अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे? साधारणता की समाप्ति संकल्प में भी साधारणता नहीं, संकल्प में भी साधारणता नहीं। कितना भी कोई मुझाने की कोशिश करे लेकिन आप मौज में रहो, आप मौज में रहो। माताएं मौज में रहती हो? पूछ रहे बाबा, माताएं मौज में रहती हो? कितना भी कोई मुझाने की कोशिश करे लेकिन आप मौज में रहो। मुझाने वाला मुझ जाए लेकिन आप नहीं मुझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करें और आप अपना काम करो, सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे, फलक से कह सकेंगे, होंगे तभी तो कह सकेंगे ना, फलक से भी तभी कह सकेंगे जब होंगे, जो होगा नहीं तो कह भी नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो, हम मूंझने वाले नहीं है, हम मूंझने वाले नहीं है, क्योंकि विशेष आत्माएं, क्योंकि हम क्या हैं, विशेष आत्माएं हैं। क्या याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है, ऐसी हिम्मत वाले होना, हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है। जो हिम्मत रखते हैं, हिम्मते बच्चे मद दे बाप, वरदान सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भाव, सहज विधि द्वारा विधाता को क्या करो, अपना बना लो, तो सारे भाग्य के खजाने से भरपूर हो जाएंगे। आप विधाता को अपना कैसे बनाए, उसकी सहज विधि क्या है? विधाता को अपना बनाना है, क्या है सहज विधि? कैसे हम विधाता को अपना बना ले, वो कैसे बन जाएगा हमारा? सिर्फ कहना मान लो बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जो बाबा कहे वो कहना मान लो बस, फिर आप अपने आप ही सहज हो जाएंगे। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध, बाप के साथ भी और दादा के साथ। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे, लेकिन ये खंडित चाबी है। सिवाय ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता, साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजाने से भरपूर बनो, सर्व भाग्य के खजाने से
क्या बनो, भरपूर बनो। स्लोगन है, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। स्वयं से भी, सेवा से भी और सर्व से। आज बाबा हट गया बीच में। स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो। ये सेवा का सर्टिफिकेट कौन देगा? स्वयं से सर्टिफिकेट मैं दे दूंगा, मैं 100% पास हूं, नहीं? और सारे भी दे देंगे, सबको मैं मिठाई खिला दूंगा, ठीक है? अच्छा बताओ, फिर बाकी सेवा से कैसे लूं? ये नहीं पता, बिना कहे सेवा करे, मतलब सेवा का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? स्वयं से हैं जी, वो बाबा देगा। बाबा पीछे हट गया, मतलब स्वयं से लेना है, मतलब हमने अपने आप को कितना श्रेष्ठ बनाया, कितना हर परिस्थिति में हम संतुष्ट रहे, मतलब कोई भी अवस्था में, कोई भी परिस्थिति में मेरी संतुष्टता गायब नहीं हुई, और मेरे से सब संतुष्ट रहे तो दूसरों से सर्टिफिकेट लिया। अब सेवा जो की, उसमें भी क्या चाहिए हमें? सर्टिफिकेट। सेवा से सर्टिफिकेट क्या होगा कि वो जाके बाबा को बताएं कि इस आत्मा ने मेरे को आपसे वर्षा दिलाया, तो वो सर्टिफिकेट बाबा ही देगा। वो सर्टिफिकेट बाबा के, क्योंकि बाबा कहते मेरे से आके बताए कि मेरे को उसने ज्ञान सुनाया, मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया। मैं तो कहूंगा मैंने सेवा की, मैंने 1000 लोगों को मुरली सुनाई, परंतु उनमें से कहा किसने बाबा को कि इसने अच्छी तरह मेरे को समझा? सर्व तो है ही नहीं, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, इसीलिए नहीं, बाबा देगा ना वो सर्टिफिकेट। तो जब वो बाबा को कहेंगे तो सेवा का सर्टिफिकेट तो बाबा से मिलेगा ना। जैसे हम लोग हैं, आपके बारे में कहें, मैं किसी के बारे में भी कहें, मतलब कहने का मतलब बाबा कहेगा तब सेवा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए, विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।